हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 9 जनवरी 2023 और आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। इसमें राजस्थान से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो देखेंगे। और यहाँ देखिए, ये हमारे द्वारा जो करंट अफेयर्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं ये राजस्थान के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं हमारे द्वारा CET का कंप्यूटर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो यहाँ से जाके देख लीजिए, ये आपकी तैयारी में और ज़्यादा कारगर साबित होगा। आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा स्टार्ट करी है। राजस्थान के 3 शहर कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा जयपुर, ठीक है, दूसरा है उदयपुर और तीसरा है जोधपुर। तो इन 3 शहरों में रिलायंस जियो ने, किसने? रिलायंस जियो ने रिलायंस जियो ने 5G इंटरनेट सेवा शुरू की है। तो देखिए 5G जो तकनीक है ये क्या है? 5G एक इंटरनेट सर्विसेज है। जैसे मान लीजिए अपन 4G इस्तेमाल करते हैं तो ये अपने जो मोबाइल फ़ोन में जो स्पीड है उसको रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो 5G है इसकी फुल फॉर्म क्या है? 5th जनरेशन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है इसीलिए पता होना चाहिए, ठीक है। ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है। अब ये जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है, पहली बार कहाँ, कब लॉन्च करी गई थी, ठीक है, कौन से ईयर के अंदर लॉन्च करी गई थी? ये 2019 के अंदर लॉन्च करी गई थी, ठीक है। अब जो इसकी में स्पीड होती है ना, इसमें स्पीड कितनी हो सकती है? अप टू 20 GB, है ना, 20 GB। कितनी? 20 GB, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 20 GB/s तक हो सकती है। इसमें जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है कितनी हो सकती है? 20 GB/s तक हो सकती है। अभी हमारे पास में 1 GBPS भी स्पीड नहीं आ रही है। जिस दिन 1 GBPS स्पीड आने लग जाएगी तो आप समझिए, आप कोई मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं 1 GB की, आपके पास एक मूवी है ना 1 GB की, तो आपने जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही 1-2 सेकंड के अंदर आपकी मूवी डाउनलोड हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। अब देखिए ये जो 5G सर्विसेज है ये देखो लो, मिड और हाई, ठीक है, ये तीनों फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती है, ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो 5G टेक्नोलॉजी है या 4G है या कोई भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका रेगुलेशन का काम कौन करता है? इसका रेगुलेशन का काम करता है TRAI, TRAI, ठीक है, ये अच्छे से याद होना चाहिए। TRAI का काम है रेगुलेशन का काम करना। इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम, यहाँ लिख दूँ मैं टेलीकॉम, चलो क्लियर करके लिख देता हूँ, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो गई TRAI। तो यहाँ से क्या है, ये फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि TRAI की फुल फॉर्म क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम है जितने भी रेगुलेशन हैं वो रेगुलेशन बनाना लिखना, ठीक है। आज ये नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जल्द शुरू होगा। अब ये कहाँ होगा? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का मतलब क्या है? जो इंटरनेशनल टाइप के इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर हो गया देखो कला, संस्कृति, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, है ना, इस तरीके के जो इनसे रिलेटेड जो इवेंट होते हैं, तो इसके लिए क्या है, ये एक तरीके का कॉन्फ्रेंस हॉल प्रोवाइड करा रहा है राजस्थान में, ठीक है। तो ये कहाँ डेवलप किया जा रहा है, इंटरनेशनल सेंटर कहाँ डेवलप किया जा रहा है, ये करा जा रहा है जयपुर के अंदर, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर जल्द शुरू किया गया, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इस तरीके से लिखे आएंगे और तब याद नहीं होगा तो फिर गलत हो जाता है, ठीक है। अब जो इसका शिलान्यास कब किया गया था, मुख्यमंत्री ने 2013 में इसका शिलान्यास किया था। आ जाइए यहाँ पर, अब देखिए जम्बूरी, है ना, ये जम्बूरी नेशनल जो स्काउट गाइड है ये कहाँ आयोजित की जा रही है, ये पाली के रोहट ज़िले में की जा रही है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाली के कौन से, पाली में रोहट ज़िला, ठीक है, ऐसे याद रखना है। ये कौन से नंबर की है? 18th नंबर की है। राजस्थान में कब हो रही है? 66 ईयर बाद हो रही है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। आ जाइए आगे चलें इसमें। अब देखिए स्टूडेंट्स,
पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव ये राजस्थान में कहाँ स्टार्ट किया गया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये कहाँ किया गया है, जोधपुर के अंदर, ठीक है, जोधपुर के अंदर प्रारंभ किया गया है। अभी से याद कर लेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि देखिए इस तरीके से ऑप्शन बना के पूछ लिया जाएगा, जैसे पश्चिमी राजस्थान लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, तब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर ये भी पश्चिमी राजस्थान में पड़ते हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, याद नहीं रहेगा, तो कुछ भी उल्टा सीधा करके आ सकते हैं, और एक दो बार पढ़ लेंगे तो हमेशा ही याद रहेगा कि पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव कहाँ शुरू किया गया है, जोधपुर के अंदर किया गया है। कौन से नंबर का है ये, 33वें नंबर का है, 33rd नंबर का पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, उद्योग विकास क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उद्योग में सुनहरे भविष्य के लिए किया जा रहा है, ये हमारे जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए होता है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये डिज़ाइन की जाती है पॉलिसी जिससे सभी वर्गों को फ़ायदा मिल सके। आ जाइए नेक्स्ट देखें। अब देखिए स्टूडेंट्स, राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है। अब जैसे राज्य जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ लिखा हुआ है, और मैं बोलूँ कि ये राज्य जनजाति है तो सबसे ज़्यादा जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दूँ बाड़मेर, फिर दूँ डूंगरपुर, फिर दूँ उदयपुर, और फिर उसके बाद में प्रतापगढ़। तो बताइए इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर हो जाएगा इसका आंसर, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को करना चाहिए कि अच्छा, राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता कराई जा रही है, कहाँ कराई जा रही है, उदयपुर के अंदर कराई जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 11,500 पंचायतों में खेल मैदान बने, ठीक है। अब जब राजस्थान के अंदर जो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है 2022 से 2023 वाला, ठीक है, अब इसके अंदर जो ग्राम पंचायत दे रखी हैं वो कितनी है, 11,307 ग्राम पंचायतें ही हैं, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है 11,500 पंचायतों में खेल मैदान बने। तो भैया जब ग्राम पंचायत ही 11,307 है तो 11,500 पंचायतों में कैसे बना दिया, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख लेना। एग्जाम में अगर आपसे ग्राम पंचायत पूछी जाए कितनी है, अगर खेल मैदान पूछे तो 11,500 भी लिख कर आ सकते हैं, परंतु राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 11,307 ही ग्राम पंचायत हैं। 352 क्या है, 352 हमारे पास में पंचायत समितियां हैं, यहाँ पे क्लियर करके लिखूं, देखो 11,307 ये क्या है हमारे पास, ग्राम पंचायत है, और हमारे पास में 352 ये क्या है, पंचायत समिति है, पंचायत समिति, ठीक है, और हमारे पास 33 क्या है, 33 जिले हैं, जिला पंचायत परिषद से। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास में 11,307 ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में यही डाटा लिखा हुआ है, 11,307 ग्राम पंचायत है, 352 पंचायत समिति हैं और 33 जिला परिषद हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, परंतु ये जो है ये गवर्नमेंट की न्यूज़ की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि 11,500 पंचायतों में खेल मैदान बने हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, हमको इसी तरीके से हमारी तैयारी को करते रहना चाहिए। तो देखिए राजस्थान जो करंट अफेयर्स है ये आपको डेली पढ़ाया जाता है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को एनरोल कर सकते हैं। तो जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि जैसे राजस्थान का मैप है ये आपके सामने, तो आपको बताना है कि नॉर्थ टू साउथ, है ना, नॉर्थ से लेके जो साउथ का इसका एक्सटेंट है ये कितना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला 869 किलोमीटर, दूसरा 826 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने 850 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 841 किलोमीटर। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वहीं आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग अपनी तैयारी करते रहिए और क्वेश्चनों के आंसर देते रहिए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।